तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द रजक। दिस इज योर भाई चंदन रजक। फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी हम आ चुके हैं चंडीगढ़ के रोज गार्डन में। इधर वाटर फाउंटेन चल रहा था और चलिए रोज गार्डन घुमाते हैं, जो कि जाकिर नायक के नाम से भी ये अपना गार्डन फेमस है। ऐसे फेमस तो रोज गार्डन के नाम से ही है। इसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। सुबह सुबह इधर पहुंच गया, अभी एक्चुअली टाइम हो चुका है 7:30 बज गया। फिर भी 6:30 बजे तो मेरा नींद ही खुला था और रूम से आउट किए थे 7:10 में। ओला बुक किए, ओला से इधर आ गए। देखिए यहाँ का फाउंटेन सुबह सुबह चल तो रहा है, सारा नहीं चल रहा है एक्चुअली, ये बीच वाला यहाँ पे बंद है और इधर चल रहा है फाउंटेन। है सही है, सुबह सुबह अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के लिए आते हैं बहुत सारे लोग और दोनों का प्रेशर बहुत कम है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको रोज। ये जो रोज देख रहे हैं ना, इस रोज का नाम है सी पैरल, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं अपने लोग, इसका नाम हो गया ब्लैक रूबी, लेकिन फूल भाई रेड है। एक्चुअली फ्रेंड ना, बात कुछ ऐसा है कि चलते हैं अपने लोग सामने से एंट्री करते हैं, जिधर से एक्चुअली एंट्री है रोज गार्डन का। वाटर फाउंटेन देखे इधर चल रहा था, सोचे पहले इसको कवर करते हैं, नहीं तो कहीं बंद हो जाएगा तो एक तो ये चीज पता नहीं लगेगा ना आप लोग को। यहाँ पे फ्लावर तोड़िएगा ना, फूल तोड़िएगा, तोड़ने का फाइन है 500 रुपया। तो कभी भी रोज गार्डन में गलती से कोई फूल को हाथों मत लगाइए, अगर तोड़ ताड़ दिए तो 500 रुपया का तो ऐसे जुर्माना बैठ जाएगा आप पे। उसके अलावा कार्रवाई का हमको नहीं पता, एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया फूल तोड़ने से। रोज गार्डन में तो रोज उतना ज्यादा इस बार है ना, इसका एक्चुअली टाइमिंग होता है ना फरवरी वगैरह में, पूरा सा फूल होता है खिला। आ गए देखिए इस साइड से, इस साइड बना हुआ बैठने के लिए भी, चलिए अंदर चलते हैं। देखिए एक्चुअली इसका नाम पता आपको, नाम सुनिएगा ना। देखिए ये जो फूल है ना, इसका नाम है, एक हिंट दे आप लोग को, जो ब्रिटेन में अभी यूके की महारानी जो थी उनका हाल फिलहाल, जहाँ हम बताइए दिए तो जो हाल फिलहाल उनका देहांत हुआ यही नाम है। देखिए क्वीन एलिजाबेथ, उन्हीं के नाम पे ये फूल का नाम रखा गया है। ये पिक्चर है अपना क्वीन एलिजाबेथ। एक्चुअली भाई बात ऐसा है, ये जो नाम हम सुने ना, इसके बाद कुछ अपने जैसे इंडिया के आदमी के नाम पे महात्मा गांधी गुलाब, ऐसे कुछ करके सरदार पटेल जी के नाम से गुलाब उलाब नहीं है ना। और इधर इसी नाम पे ई गुलाब तो बहुत देखे मखमल टाइप का, इसका नाम है लविनिया। ये अब फूल रहा किधर, ये रहा फ्रेंड। ये जो है ना सामने, ये पत्थर का बना हुआ, जो कि भोपाल के रॉबिन डेविड ने बनाया था, ठीक है ना। ये चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी हुआ था ना, उसी में मैं भी इसको दर्शाया गया होगा। बड़ा भी जोर है, बस देखने में अच्छा है, लेकिन है क्या एक्चुअली हमको पता नहीं है। इस गुलाब का नाम बता सकते हैं आप क्या है? नहीं जानते तो फिर हम बताएंगे ना। ओके लहुमा ना, कैसा लगा नाम आप? हेलो, घुस गया। बेबी गोल्ड स्टार, बेबी है, छोटा छोटा है ना, इसलिए इसका नाम बेबी गोल्ड स्टार रखा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसलिए ये हमको गुलाब ना बहुत अच्छा लगा। इसका नाम चलते हैं आगे, आप लोग को बताते हैं। यह है खूबसूरत फोल्क्लोर फ्रेंड। यहाँ पे एक ब्रिज भी है छोटा सा, बांस भी है, गुलाब भी है। ये जो पार्क है ना रोज गार्डन, वो 14.25 बोले तो 40 एकड़ में फैला हुआ। और यहाँ पे ऐसा ऐसा पेड़, मतलब बोले तो गुलाब का पेड़, 820 प्रकार का, मतलब प्रजाति 820 प्रजाति का, जैसे हो गया इधर। बड़ा गजब नाम है भाई, हमको पढ़ने में नहीं हो रहा है ये नाम, आइस डिलाइट, ये पढ़ लिया, ये आसान था एक्चुअली। यहाँ 820 प्रकार का यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 820 नहीं 825, और विकिपीडिया पे लिखा हुआ था 1600 प्रकार का। और यहाँ 32,500 से ऊपर गुलाब का पेड़ है, और विकिपीडिया पर था 50,000 से ज़्यादा। इसमें हमको कन्फ्यूजन है, हमको लगता है यहाँ पे जो लिखा हुआ बोर्ड पे वो करंट होगा और सही होगा। ये गुलाब का नाम हो गया अपना जून प्राइड, एक्चुअली अभी सीजन नहीं है इसका, ठीक है ना। मतलब मार्च वगैरह में, फरवरी मार्च में यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन वगैरह भी लगता है। अभी सारा देखिए ऐसा है ना, देखिए ये जो है ना सीधा अभी पहाड़ मिट्टी का, हमको लग रहा था इतना ही है। इस साइड भी है रोज गार्डन, वही तो कहे 40 एकड़ उतने होता है एक्चुअली, हमको नहीं पता है कितना होता है, ठीक है ना, ये सब हमको नया आइडिया है। लवर्स मीटिंग, बाबरी फूलों का नाम, फूल का नाम है लवर्स मीटिंग ना, यू कैन सी। बीच में बेरका का आउटलेट,
बिरका, बिरका जानते हैं ना, जैसे अपने बिहार में होता है सुधा, वैसे ही हरियाणा पंजाब में होता है बिरका। सैनू इसका नाम है, सैनू। फ्रेंड अब 8:30 बजने वाला है, 10 बजे रोज गार्डन बंद हो जाता है। बंद होता है एक्चुअली, इसमें गेट उठ तो है नहीं, लेकिन टाइमिंग लिखा हुआ था सुबह का, इसलिए हम सुबह सुबह आके देखे आंख फूला हुआ, ऐसे स्नान कर लिए। भैया नाम भूल गए, बड़ा अजब नाम है गुलाब का, इतना नाम हो सकता है? देखिए नजदीक से पहले फूल देखिए, प्रिंटेड लग रहा है ना, गड़बड़ा गया है कि प्रिंटेड होता है पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। इधर भी है, इधर भी है, मतलब वही एक प्रजाति हो गया। का नाम हो गया फेडेलो रोज। ऐसा ऐसा जो घेरा घेरा है ना, जैसे ये हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, जितना जितना अलग अलग जितना क्यारी बना, क्यारी इसको तो नहीं बोल सकते हैं, अब इसको जो बोल सकते क्या बोल सकते कमेंट करके आप बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे इतना दूर घेरा, हमने ये तो क्यारी बोलता है, क्यारी बोले तो क्यारी तो बला होता, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं पता नहीं, जितना ही है ना उतना उस जितना, मतलब क्या बोले, हमको कुछ बुझा नहीं रहा है, मतलब बोलने का मेरा ही मन कर रहा है कि मतलब जितना ही जैसे इतना दूर में है ना, तो सेपरेट वही फूल है वहाँ पे, तो ऐसा ऐसा 825 होगा, वही 825 वेरियंट हो गया। और पौधा काउंटिंग कीजिएगा, जैसे हर एक पौधा तो 32,500 से भी ज्यादा पौधा, इतना ज्यादा पौधा। और इसका जो स्थापना बोलिए, स्थापना नहीं, को जो बनवाए थे ना, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का पहला कमिश्नर थे या एडमिनिस्ट्रेटर बोल लीजिए उनको, उनका नाम था, अभी तो लेट हो गए हैं मतलब स्वर्गवास, इनका नाम था डॉक्टर MS रांधवा, मतलब उनका पूरा नाम हुआ डॉक्टर मोहिंदर सिंह रांधवा, वही इनका प्लान किए थे रोज गार्डन का और बनाए थे। और ये बनाया गया था 1967 बोले तो 1967 में बनाया गया था अपना रोज गार्डन। तो इसी के साथ साथ हम आ गए रूम्पा शंबा के पास, रूम्पा शंबा। और फ्लावर देखिए है ना मस्त, रूम्पा शंबा खूबसूरत है, मतलब एक एक फूल में पीला भी है लाल भी है, उस चीज में समझ आ रहा है। देखिए तो एक ठो का नाम होगा रूम्पा, हमको जैसा लग रहा है, ये हो गया रूम्पा, ये हो गया सुम्पा, सुम्पा नहीं शंबा है, तो यूनिक अगर ध्यान से देखिएगा तब फिर डिफरेंस पता लगेगा। हम उस समय सिर्फ घूम रहे हैं, बैठे एक आधा घंटा प्लस हम बैठे हैं पार्क में, ऐसे ऐसे किए, ये फ्री हुआ इजामे अभी तक नाक में। बंगाली गुलाब दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया बंगाली गुलाब, ठीक है, जो कि अभी झरा है बंगाली गुलाब। क्या किया जाए, बहुत गुलाब है, 825 प्रकार का गुलाब है, समझ रहे हैं बात। ये कौन सी का पेड़ है एक्चुअली बताइएगा, तो हमको नहीं पता, ये पेड़ बताइएगा का है, इधर से ये पेड़ बताइएगा ये का है, यूनिक है। देखिए आप ये ब्रिज अच्छा है, बहुत अच्छा है, पानी लेकिन नहीं है इसमें फ्रेंड्स, जाड़ा सा भी पानी नहीं, बूंद का भी निशान नहीं है। और इस साइड आने पे बच्चा के लिए इधर झूला उला भी है, स्केटिंग नहीं, स्लाइडिंग वगैरह के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए वो सब है, बनाया गया है, गजब ने बनाया ब्रिजवा को। देखिए उधर से आया, उधर गया, इधर आया, अभी फिर हम इधर से चल रहे हैं, देखिए फिर इधर इधर इधर। फ्रेंड्स ये जो फ्लावर है ना एकदम प्योर व्हाइट, इसका नाम है हंस, और ये रहा अपना हंस, अच्छा नाम था हंस, कलकत्ता 300 का कलकत्ता में इसको बनाया गया था। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना फ्लावर, इसका नाम गैस कीजिए, इसका नाम बड़ा बिजोर है, लेकिन इसका नाम देखिए इधर हार्ट बीट, ये रहा अपना हार्ट बीट, ये और ये हार्ट बीट बड़ा कमजोर, हार्ट बीट में दुए को है ब्लू फॉर यू नाम है, बड़ा यूनिक यूनिक फूलों है, यूनिक यूनिक। एक चीज बता दे, ये जो है ना एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा अपना गुलाबों का गार्डन, रोज गार्डन चंडीगढ़। इस साइड क्या भैया, चलिए जरा देखते हैं, सब है उस साइड, उधर निकला है क्रॉस करके, ब्लैक रोज नहीं नजर आया, सुने थे ना ये होता है कि नहीं, हमको नया आइडिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा है, ब्लैक रोज होता है कहीं, ब्लैक नहीं, ब्लू येलो व्हाइट ग्रीन ग्रीन नहीं, ये सब बहुत सारा देख। और लगभग हम पूरा घूम चुके हैं रोज गार्डन, इस साइड से भी अपने लोग एग्जिट कर सकते हैं, बाहर की ओर जा सकते हैं, और अपने लोग एंट्री वहां से किए थे, वाटर फाउंटेन दिख रहा है ना, और ऊपर में जो बैलून दिख रहा है वो 15 अगस्त वाला वो आजादी का अमृत महोत्सव जो हुआ था ना उसी के लिए वो लगाया गया बैलून, अच्छा लगता है। कैसा लगा रोज गार्डन, वो भी एशिया का सबसे बड़ा चंडीगढ़ का रोज गार्डन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बी सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।